तो स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे चैनल की एक और नए वीडियो में, और ये वीडियो स्पेशली के ड्रामा लवर्स के लिए है। जी हाँ, 2017 में जी भी टीवीएन की क्राइम थ्रिलर सीरीज स्ट्रेंजर इसकी सीजन 1 की फुल्ली कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है। जी हाँ गाइस, आपको ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है इसकी सभी एपिसोड है वो आप सभी को MX Player पर आने वाले समय पर देखने को मिलेगी। और अभी जो मुझे करंट रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक आपको जनवरी के मौके पर देखने को मिल सकता है, बट ये फिक्स डेट नहीं है, आगे भी बढ़ सकती है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको ये सीरीज है वो हिंदी डब में देखने को मिलेगी, इसकी फुल्ली कंफर्मेशन मिल चुकी है। और फिलहाल इसकी टोटल 2 सीजन्स आई है जिसमें से मुझे केवल एक ही सीजन्स की डबिंग की अपडेट मिली है। तो हो सकता है कि आपको इसकी सीजन 2 भी देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भी हो, आइए जानते हैं इस सीरीज के बारे में सब कुछ कि आपको ये सीरीज देखना चाहिए नहीं, और ये सीरीज किस बारे में होने जा रही है। तो सबसे पहले हम इस सीरीज की बेसिक स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी कहानी सी मॉक नाम के एक ऐसे प्रोसिक्यूटर के बारे में बताती है जिसका बचपन में एक एक्सीडेंट में ब्रेन सर्जरी के कारण भावनाओं को महसूस करने की जो क्षमता है वो खो देता है, और अब वह एक ऐसा इंसान है जो केवल फैक्ट और लॉजिक पर भरोसा करता है। और इसी बीच वह एक दिन वह एक हत्या के मामले की जांच के दौरान एक फीमेल डिटेक्टिव से मिलता है जो एक डिटरमिन और ईमानदार डिटेक्टिव है जो सच्चाई को सामने लाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। तो ऐसे में ये दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे ताकि इस हत्या के मामले को सुलझा सकें जो जुड़ी हुई है कोरियाई पॉलिटिक्स में करप्शन की एक जटिल साजिश से। तो इसी के बारे में आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। तो अब आइए जानते हैं कि इस सीरीज को किन लोगों को ट्राई करना चाहिए और किन लोगों को नहीं। तो स्ट्रेंजर के ड्रामा उन लोगों के लिए एकदम सही ऑप्शन है जो लोग क्राइम ड्रामा टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आएगी क्योंकि सीरीज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है जिसमें आपको काफी सारे टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिल जाएगी। और इस सीरीज की डायरेक्शन काफी अच्छा है, और साथ में इस सीरीज में जो कास्ट मेंबर काम किए हैं उन्होंने अपने करेक्टर को बेखूबी काफी अच्छे तरीके से निभाई है। और इसके अलावा इस सीरीज में कुछ कमियां हैं जैसे कि सीरीज की कहानी है वो कहीं कहीं धीमी हो जाती है जो आपको थोड़ा बहुत बोर कर सकती है, और इसके अलावा इस सीरीज में कुछ ऐसे टर्न एंड ट्विस्ट है जो आपको अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। तो यही कुछ कमियां हैं, इसके बावजूद भी ये जो सीरीज है वो काफी अच्छी है जिससे कोरिया प्लस इंटरनेशनली काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और अभी इस सीरीज को IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और MDL पर 8.8 आउट ऑफ 10। तो यही कुछ इन्फोज है जो आपको इस सीरीज को देखने में मदद करेगी और ना देखने में भी। तो जो भी हो, फिलहाल के लिए बस इतना ही अपडेट है। उम्मीद है कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और नए वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर। We'll be right back.